गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं ला मेर बीच रिसोर्ट, जहां वी विल डेफिनेटली गेट अ गोवा वाली वाइब्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम पुणे एंड रेवदंडा बीच इज अप्रोक्स 150 किलोमीटर फ्रॉम द पुणे एंड इट विल टेक अराउंड 4 आवर्स टू रीच टू द रिसोर्ट। अभी हम पहुंच गए हैं रिसोर्ट पे और रिसोर्ट जो है ये बिल्कुल फोर्ट के बाजू में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोर्ट की वॉल है और यहाँ पे ही रिसोर्ट का जो है वो एंट्रेंस है। सो लेट्स गो। चलते हैं हम अपने रूम की तरफ। ये यहाँ पे पीछे है रेवदंडा फोर्ट और उसके ठीक पीछे है अपना ये रिसोर्ट। कॉरिडोर से हम जाते हैं, यहाँ पे अपना रूम। मेरे कॉरिडोर से जैसे हम सामने देखते हैं, यहाँ पे है रेवदंडा बीच, स्पेशियस बालकनीज है टॉप फ्लोर को और नीचे के फ्लोर को भी। अभी करते हैं रूम टूर। Here we have a king size bed and corner sofa and the table with a balcony to hang out. अपने बहुत ही स्पेशियस रूम है यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड फ्लोर पे अपने पास बालकनी है और बालकनी से जो व्यू है वो कैसा है देखते हैं। सीधा यहाँ पे कोकोनट ट्रीज है सामने, यहाँ पे स्विमिंग पूल है और इस साइड में है बीच, रेवदंडा बीच। अभी देखते हैं वॉशरूम। वॉशरूम यहाँ पे भी स्पेशियस है, शावर है, यहाँ पे टॉयलेटरीज। रूम टूर देखने के बाद अभी थोड़ा हम प्रॉपर्टी का एरिया देखते हैं, रिसोर्ट का एरिया जो है वो देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है मेरे पीछे जो आपको दिख रही है, उसके सामने ही पूल है और पूल के बाजू में एक रोड जाता है जहाँ से आप सीधा बीच पे जाते हो, वो दिखा देता हूँ। और बीच की तरफ आपको कबाना करके यहाँ पे सेपरेट रूम्स है, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी दिखाता हूँ। Here we have a three kind of room. One is deluxe, which is pool facing. Another is executive, which is a beach facing. And cabana, which is a sea view individual glass cottage. तो वैसे हम अभी जा रहे हैं यहाँ पे बीच की तरफ और यहाँ पे अपने को दिखता है ये सेपरेट कबाना। बहुत ही क्लासी दिखता है, सेपरेट है ये। और यहाँ पे सीधा बीच व्यू मिलता है इसको। लंच के बाद थोड़ा सा अभी फ्रेश हुए हैं और चलो अभी जाते हैं हम पूल में थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़्यादा धूप है तो पहले पूल में जाएंगे, बीच पे बाद में जाएंगे। इट्स टाइम फॉर पूल। एंजॉय करने के बाद वहां पे हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। Oh,
flying drone, swimming and taking some rest. Now it's a evening and we are going towards the sunset. अभी ये रास्ता जाता है सीधा बीच के यहाँ पे. It's a sunset time. और ब्यूटीफुल व्यू. यार बीच पे पहुंच गए. क्या लोकेशन है. रेवदंडा फोर्ट, कोकोनट ट्रीज और ये बीच. ऑसम. ऐसा सनसेट तो गोवा में भी एक्सपीरियंस नहीं है. मतलब ये तो मिनी गोवा है यार. डेफिनेटली आर्किटेक्चर है ना. और we enjoyed the sunset very peacefully with the cool sea breeze. Sunset ho chuka hai aur hum abhi laut rahe hain resort ke taraf se. Resort ke yahan pe phir se aur yahan ka bhi night view jo hai wo kafi acha hai. Aapko show karta hu. Sab glow karta hai yahan pe. पूल के यहाँ पे भी लाइटिंग कर दी गई है और अपना जो प्रॉपर्टी है कुछ इस तरह से दिखती है. मीनिंग में यहाँ का कैफेटेरिया. गुड मॉर्निंग. इट्स 6 AM राइट नाउ हियर और ये है यहाँ की पीसफुल मॉर्निंग. हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. इट्स डे 2 और अभी सुबह के 6:30 हुए हैं और हम जा रहे हैं बीच पे. कुछ फ़ोटोज़ एंड कुछ ड्रोन शॉट लेंगे. कल इवनिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मॉर्निंग में मोस्टली जो है बीचेस बहुत ही खाली रहते हैं. होंगे तो कुछ लोग होंगे मॉर्निंग वॉक के लिए लोकल्स, अदरवाइज़ पूरा बीच खाली होगा. लेट्स से कुछ ड्रोन शॉट लेते हैं अपन. यहाँ पे बीच ऑलमोस्ट खाली है और आप देख सकते हो सी वाटर बहुत ही अंदर चला गया है. If you really like this video, please don't forget to like, share the video and subscribe to the channel.